कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। आज सोमवार को किसानों का धरना पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है। किसानों का कहना है कि जब तक यह कृषि कानून खत्म नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि यह कृषि कानून नहीं, काला कानून है, यह किसानों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर दिल्ली पर किसानों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए किसानों ने सरकार पर अपना निशाना साधा। किसानों ने कहा कि इस कानून के द्वारा सरकार किसानों को लूटने की मंशा बना रही है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को मानकर ऐलान कर दे कि हमने किसानों की मांगें मान ली हैं, हम अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। किसानों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार तीन कृषि कानून को रद्द करे, एमएसपी की गारंटी ले और एमएसपी पर खरीद की भी गारंटी ली जाए। आपको बता दें कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत दर्जन भर राज्यों के किसानों का आंदोलन लगातार पांचवें दिन भी जारी है। सोमवार को किसानों ने यूपी गेट पर चेतावनी का बैनर लगा दिया। किसान यूनियन की धारा 288 लगाई गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि पुलिस ने धारा 144 लगाकर हमें प्रतिबंधित करने की कोशिश की है, तो हमने धारा 288 लगाकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। अब हम उनकी सीमा में नहीं जाएंगे और उन्हें अपनी सीमा में नहीं आने देंगे। उधर दिल्ली यूपी गेट पर धीरे धीरे किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। सोमवार को यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब तक दो बार दिल्ली पुलिस का बैरिकेड तोड़ा है। इससे पहले रविवार को 5 बार बैरिकेड तोड़ा था। इसके चलते पुलिस ने अब बैरिकेड के पास बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं, जिससे किसान इसे तोड़ नहीं सके। वहीं एक मेडिकल टीम भी सिंधु बॉर्डर पर तैनात कर दी है और यहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहां पर प्रदर्शनकारियों की जांच पड़ताल की जा रही है। सिंधु के साथ टीकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया कि सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर सभी तरह का यातायात आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद बने हालात पर काबू पाने और समस्या के समाधान पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में शाम को ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया। अब भी सुनिए किसानों ने प्रेस वार्ता कर भारत सरकार उन तीन कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है जो हम मांगते हैं, वो ये मांग है कि एमएसपी है जो उसकी गारंटी और उस एमएसपी पर खरीदने की भी गारंटी इसका कानून बने, वो कानून बनाए सरकार, फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे मतलब राज्यवाल बलबीर सिंह राज्यवाल जी अध्यक्ष, मैं खड़ा होके कह दूं ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हमें मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री तीन थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं, तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहां पे जो आढ़ती है
वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप, बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के वो ऐलान कर दे हम चले जाएंगे, हमें मीट का शौक नहीं है। टेबल पे जाओगे या नहीं, सवाल तो है कि टेबल पे जाओगे। हर वेले जान ले टर्न पहले कह चुका हर हाल हर हाल हर वेले कर जे विदाउट कंडीशन कॉल आएगी केंद्र सरकार की तो हमें हम एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे दिल्ली जाएंगे। भारत सरकार उन तीन कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है कि MSP है जो उसकी गारंटी और उस MSP पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.